बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये अवेलिया मवेशी मंडी का व्यू है और बुध का दिन है, ठीक है। बुध वाले दिन ये मंडी लगती है जी, तो आज भी मंडी लगी हुई है। 2 तारीख की वीडियो है, तो बाकी जी गर्मी बहुत है, ठीक है। अच्छा, इस मंडी पे टैक्स 7% है, ठीक है जी। 1 लाख की चीज़ लेंगे तो 7,000 देना पड़ेगा। कुछ देसी गायें नज़र आ रही हैं, मैं देखता हूँ अगर कोई काम की चीज़ हो। आज मलिक साहब ने भी विज़िट किया है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। मलिक साहब, क्या है आपके जी, इतनी गर्मी में ज़रा अपना चेहरा तो दिखाएं, कपड़ा तो दिखाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इधर आप ज़रा लगाएं जी। अब आपके शुक्र गुजार हैं जी। ये देखें जी, पसीना। हाँ, ये माशाल्लाह। और ये कपड़े सारे गीले हो रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, ठीक है जी। तो बहरहाल आपके शुक्र गुजार हैं जी। दोस्तों को घर में मालूमात हो जाती है, छोटे बड़े जानवरों की और मुख्तलिफ इलाकों के रेट पता चल जाते हैं, तो आपकी बड़ी काविश है, अल्लाह ताला आपको अजर दे। यही कहेंगे। तो बहरहाल ये मुकामी मंडी है जी। जी जी, बहुत खूबसूरत व्यू है। हाँ, व्यू भी माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू। दरियाए दौड़ है हमारे, पानी बह रहा है जी, बिल्कुल दरियाए दौड़ जी। पीछे साइडों पे सब्जा है, अच्छे दरख्त हैं, और ये दरमियान में मंडी लगती है, लेकिन यहाँ पे देसी माल जमीन सब ज्यादा होता है। यही बात है, ये लोग चराई पे जानवर रखते हैं, इसी तरह है। तो चराई के जानवर बहुत ज्यादा हैं जी। जो भाई इनका शौक करते हैं, जिनके पास चरा है, वो इस मंडी का जरूर विजिट करें और अपनी मर्जी के बछड़े बछड़ियाँ गाय ये लेके जा सकते हैं जी जी। और रेट जी जी, आपको जमील भाई बताऊँ, कश्मीर में जो भाई हमारे हल चलाते हैं जी जी, उनके लिए ये आप देखें, ये बेड़ा है, ये बेड़े इस तरह, ये बेड़े हैं, ये इस तरह के बेड़े हल के लिए मिल जाते हैं जी जी। आज इस बारे में मलिक साहब वो बेड़ों वाली वीडियो में बताएंगे जी। हाँ, तो गायों का पता कर लेते हैं। ये देखें, देसी गाय है, देसी बछड़ी है इसके साथ। ये देखें, ये जो है ना, ये आपके सामने, तो ये थोड़ी सी आपको मालूमात देनी ज़रूरी थी। मंडी सस्ती होती है ये वाली, कभी कभार महंगी होती है। वैसे आम रूटीन में ठीक होते हैं रेट इसके, लेकिन जो मार इसको चीज़ देती है वो टैक्स है, 7%, बहुत ज़्यादा टैक्स है। मुकामी जानवर होना दी, सही मिल जाता है जी जी। कितने पैसे? एक चरी, ठीक है। ये देखें, अच्छा है, इसके साथ बहुत प्यारा है। ये देखें, बच्ची है, बल्कि अच्छा नहीं है, तो ये देख लें। कुछ थोड़ा बहुत दूध भी है, इब्रार भाई की गाय है, उसे तो बता देंगे, लेकिन इतना ही होता है जो बच्चा पी ले, ठीक है। 1,40,000 आए जी मलिक साहब। पीछे भी हैं जी कुछ गाय, तो फिर ये देखें, ठीक हो। इस तक क्या आते हो? इस तक 1.70। कुछ दूध भी है? 5 किलो दूध भी बता रहे हैं। 1.70 देख ले, मुंह से भी चौंधी चोगी चोगी होगी मेरा ख्याल, इसी तरह से चोगी लग रही है। बाकी ये बुरी है मुंह से। इन्हें तक क्या आते हो? 1.15। कितने? 1.70 उसका, 7 उसके, 20 बचे हैं जी, ठीक है। ये इनके पीछे बहुत करीब भी नहीं होना है जी, लाते मारती हैं, ठीक है। अच्छी टका के लात जो है गिटे पे मारती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात ज़रूरी है। रेट आपने सुन लिए है, ये इब्रार भाई हैं, देसी गाय हैं, जो जिसको चाहिए हो तो इनसे रब्ता कर सकते हैं बंदा, ठीक है। मैं नंबर ले लेता हूँ, इससे नंबर बोलो, 0311 5473 844 844। हाँ जी मलिक साहब। अच्छा, फिर एक ये गाय है, ठीक है। तो ये वाला साथ जी बच्चा है, चुलिस्तानी क्रॉस है ना जी। अभी दूध कितना है इसका? तकरीबन 4 किलो। 4 किलो 2 टाइम का दूध है, ठीक है। मुंह से भी बस जवान है जी, ठीक है। देख लें, कितने पैसे? 160 में जी, दे डेढ़ की दे देंगे जी। 160 मांग रहे हैं। नंबर बोलो जी। 0334 0334 9495 96 नाम जी। 94 95 96 9, ठीक है।
ये देख लें जी, बाकी बछड़ा ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 4-5 महीने का है जी। बाकी आप देख लें, ये देखें फिर एक और देसी गाय आपको दिखाते हैं, ज़्यादा देसी गाय है। बच्चा है इसका देखें, बड़ा प्यारा बच्चा है। अभी ये किसी ने पाला तो ये बहुत अच्छा बनेगा। 2,20,000 कितना दूध? 5 किलो दूध सारा बता रहे हैं, मुंह से पूरी। ठीक है, देख लें तो ये देखें माशाल्लाह, आपको बता रहे हैं जी गायों वगैरह के रेट, देसी गाय जो है तो मलिक साहब की मौजूदगी में। तो मलिक साहब ये तो खैर दूध तो इतना ही देती हैं बस, जो जितना बस बच्चा पी ले, किलो डेढ़ निकाल लें बस यही कुछ। चलो बताते जो भी हैं वो अलग बात है। तो वहाँ ये पीछे कुछ भाई खड़े हैं जी, इनसे भी रब्ता कर लेते हैं। कुछ ये भी हैं, इनका मालिक पता नहीं किधर है। तो ये पीछे कुछ भाई खड़े हैं जी, एक ये है। कितने पैसे? 80,000। ते बच्चे दा 55 उसका और 80,000 इसका। सूखी है? सूखी है जी, 80,000 की बस। देख लें कितने पैसे गाग लगा हुआ है। तो फिर वापस आए हैं गाग पूछने के लिए। रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस वक्त आज के जो रेट है वो अच्छे खासे तेज़ है। कितने पैसे जी? 120 जी। दोस्त 80,000 सुखियाँ दो। कितना कितना दो? 4 शेर और 3 शेर। ठीक है, इससे कितने दस है? 80,000। ठीक है, नंबर बोलो जी। 0342 210 11 31। ठीक है, 210 11 31। बहरहाल जी ये इधर तो इसी तरह की गाय है। एक ये भाई देखें चेक करने के लिए, इनको कुछ सौदा हुआ है चेक करने के लिए बैठे हैं जी। ठीक है, तो इस तरफ ये पीछे एक गाय खड़ी है, इसका पता कर लेते हैं कितने पैसे ये बंदा मांग रहा है जी। कितने पैसे जी? 170 बच्चे के समेत, मुंह से पूरी है। ठीक है, कितना दूध? दो टाइम का 7 किलो बच्चे को दे के कह रहे हैं। ठीक है, ये देख लें, बाकी इनसे नंबर ले लेते हैं अगर आपको चाहिए तो। नंबर तुम बोलो अपना। 0317 0317 5944 6607 5944 6607 नंबर है जी। ठीक है, तो ये देख लें मलिक साहब, ये कौन सी नस्ल है जी? प्योर देसी है, बीच में है गुजरातानी का नहीं, बीच में कुछ सुलिस्तानी भी हो सकता है जी, जी। और जर्सी फ्रीजन का भी है जी, जी। पिछले थान बहुत छोटे हैं और अगले बड़े हैं ना। हाँ जी, बहरहाल ये देख लें जी, नंबर भाई से ले लिया है, अगर आपको चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये गाय ये देखें, फाइनल 15 इसका मालिक ये पीछे खड़ा है। कितने पैसे जी? कितने पैसे? 1,60,000 जी। कितना दूध? 1,60,000 मांग रहे हैं, सौदा इनका लगा हुआ है। कितना दूध? 10 दिन जी। बहरहाल इसका दूध वगैरह वो क्योंकि सौदा लगा हुआ है, पीछे गाड़ी के पीछे ले के चले गए और साइड पे बैठ के सौदा वगैरह करेंगे। तो देख लें ये मलिक साहब कौन सी नस्ल है जी? जर्सी का कुछ इसमें जर्सी है जी, खत्म है ना जी? खत्म है, एंड है बस, ये बूढ़ी गाय है ना जी। बस ये मेरे ख्याल में यही वाला सुगा निकालेगी बस। तो बहरहाल जी पीछे एक वो पीछे एक और भी एक दो खड़ी है। तो लेकिन इस वीडियो में यहाँ से इजाज़त चाहते हैं, किसी और वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह।